आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम में शामिल। योग करने के लिए जनता के बीच जा पहुंचे पीएम मोदी, लोगों के साथ मिलकर किया आसन। जनता के बीच ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी किया योग, राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद। बारिश के बावजूद योग उत्सव को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं, मैदान में डटे रहे लोग। योगासन के बाद फिर जनता के बीच पहुंचे पीएम, लोगों से मिलाया हाथ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किया पीएम का स्वागत, योग को पूरी दुनिया में मान दिलाने में प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान। उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी ने योग से पहले जनता को किया संबोधित, कहा दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है योग। स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। पीएम मोदी ने कहा योग जीरो कॉस्ट पर देता है हेल्थ इंश्योरेंस, मन को स्थिर रखने में भी मदद। अहमदाबाद में बाबा रामदेव की अगुवाई में योग दिवस का भव्य आयोजन, एक साथ 1.25 लाख लोगों का योग का रिकॉर्ड। गिनती के लिए मैदान में मौजूद हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग, योग का बना विश्व कीर्तिमान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी आयोजन में पहुंचे, योग गुरु का किया सम्मान। बाबा रामदेव ने मन से ली चुटकी, अमित शाह का बढ़ गया है राजनीतिक वजन, विपक्षों को करना चाहिए अनुलोम विलोम। बाहर से जो अपना राजनीतिक वजन है उसको इतना बढ़ा लिया है कि उससे बहुत लोगों की नींद उड़ गई है, उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अमित शाह के आने के बाद अहमदाबाद में भी शुरू हो गई बूंदाबांदी, योग गुरु ने लोगों से की अपील, मैदान में डटे रहे। चलिए अभिनंदन कीजिए, कोई खड़े नहीं होंगे, अपने स्थान पर सब बैठे रहेंगे। जोरदार अभिनंदन है भगवान इंद्रदेव का भी। बाबा रामदेव ने अपने साथ बीजेपी अध्यक्ष को भी कराया योग आसन करने पर, बढ़ाया हौसला। मोदी सरकार के सभी मंत्री देशभर में अलग अलग योग समारोह में हो रहे शामिल, जम्मू में पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया योगासन। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया योग, सुशील मोदी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भी योग दिवस पर खास तैयारी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में योग दिवस का मुख्य समारोह, मुख्यमंत्री केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू शामिल। दिल्ली में पीएम मोदी के योग समारोह का सीधा प्रसारण, केजरीवाल समेत सभी नेताओं ने सुना प्रधानमंत्री का भाषण। दिल्ली के योग दिवस समारोह में शामिल हुए बीएसएफ के जवान, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2000 सीनियर पुलिस अफसरों ने किया योग, पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन पर भी हुआ योग का आयोजन, एयर चीफ मार्शल धनोवा ने जवानों के साथ किया योग। जांच एजेंसी एनआईए ने भी दिल्ली समेत देश की 8 शाखाओं में आयोजित किया योग समारोह, डीजी शरद कुमार बोले तनाव दूर करने के लिए अफसरों के लिए योग जरूरी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी रामलीला मैदान में किया योग, पुलिस कमिश्नर समेत 2000 सीनियर पुलिस अधिकारी हुए शामिल। यूपी के रामपुर में मुस्लिमों ने भी लिया योग समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा, बुरखा पहनकर महिलाओं ने भी किया योग। इलाहाबाद में संगम तट पर 11,000 लोगों ने किया योग, हल्की फुहारों के बीच भी मनोयोग से किया योग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर कल विपक्षी दलों की बैठक, बड़ा दांव चल सकती है कांग्रेस, एमएस स्वामीनाथन बनाए जा सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष में एक राय बनना बाकी, नीतीश बोले सोनिया लालू को दी है कोविंद से अपने बेहतर संबंध की जानकारी। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करेगी शिवसेना, उद्धव बोले बीजेपी ने की एक साथ दिखने की अपील।
23 जून को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद। रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्य योगी ने मोदी को कहा धन्यवाद, बोले सूबे के दलित बेटे को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए आभार व्यक्त कर रहा है यूपी। सीएम योगी ने कल पीएम मोदी के सम्मान में दिया था डिनर, विपक्षी नेताओं में सिर्फ मुलायम सिंह हुए शामिल। सीएम की डिनर पार्टी में मोदी ने किया मुलायम का जोरदार स्वागत, अलग टेबल पर बैठे, खाने की टेबल पर अपने पास बुलाकर बैठाया। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के साथ हो सकता है सुखद संयोग, 3 हफ्ते पहले उन्होंने राष्ट्रपति निवास रिट्रीट देखने की जताई थी इच्छा। शादी की सालगिरह मनाने शिमला आए थे रामनाथ कोविंद, कर्मचारियों ने अनुमति न होने का हवाला देकर रामनाथ कोविंद को अंदर जाने की नहीं दी थी इजाजत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना ने हिजबुल के 2 आतंकियों को किया ढेर, मौके से 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद, एनकाउंटर खत्म, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इटावा में पुताई का काम कर रहे 2 युवक की हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, अस्पताल में हंगामा, रोडवेज की बसों में तोड़फोड़। सीएम योगी के दावों के बावजूद यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद, बरेली में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने पूरी कॉलोनी में की तोड़फोड़, तमंचे दिखाकर दी धमकी। आजमगढ़ में 3 दिन में 4 सराफा कारोबारियों से लाखों की रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस का दावा व्यापारियों को दी गई सुरक्षा। लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन के दौरान ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी अनिल वर्मा के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की मारपीट, अखबार के एक पत्रकार का छीना कैमरा। दक्षिण दिल्ली में फेसबुक की दोस्ती में धोखा, आरोपी पर नशीला पेय पिलाकर रेप का आरोप। दिल्ली में बेटी की बरामदगी के लिए परिवार का धन्ना, पुलिस के मुताबिक लड़की बालिग, परिवार का आरोप, लड़के वाले मांग रहे हैं फिरौती। दिल्ली के भलसवा में शादी वाले घर में जानलेवा हमला, 2 लोगों का गला रेतने की कोशिश, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के संगम विहार में शार्प शूटर विशाल फुर चीकू गिरफ्तार, हत्या के एक मामले में तीश तलाश। दिल्ली के दर्शाद गार्डन में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर चोरी, पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा।